ये वक्फ की दानी हुई दान दिए हुई प्रॉपर्टी है, दान दिया हुआ प्रॉपर्टी है। इतना की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है उठा के देने के लिए, जमीर अहमद खान की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है उठा के देने के लिए। ये वक्फ आस्ती है, ये दानी लोग दान किए हुए, ये दान किए हुए। बसुराज बाट सुनो, बसुराज क्या वो इतनाल, बसुराज इतनाल की अगर प्रॉपर्टी अगर उसकी बाप की रहेगा तो किसको भी दे सकता है, अगर मेरी बाप की रहेगा तो किसको भी दे। ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, ये कोई गवर्नमेंट की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं, वक्फ को ये गवर्नमेंट की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं, ये दानी लोग दिए हुए, ये दानी लोग दिए हुए। दानी लोग किस काई के लिए दिए, उन लोग जब भी देते हैं उनको एक पर्पज़ रहता है कि वक्फ को लैंड देने के बाद फलाने पर्पज़ को यूज़ करना, ये एजुकेशन पर्पज़ को यूज़ करना, ये मदरसे को देना, या मस्जिद बनना, या ईदगाह बनना, या कब्रस्तान बनना करके। आज पहली बार और कोर्ट से वक्फ अदालत करके रखा गया है इधर के अंदर, आज पहली बार आज वक्फ अदालत करके इधर रखा गया। वजह इसकी हमारे बहुत से कर्नाटका के अंदर वक्फ के मसले हैं, वजह उसकी टोटल वक्फ लैंड जो है 45,000 एकड़ है, टोटल उसके अंदर इंक्रोचमेंट आके 4,500 इंक्रोच हुआ है, और बहुत से मसले हैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ये हमने ट्रेल बेसिक के अंदर हाल ही के अंदर भाई जबरदा अनवर साहब, रहीम खान साहब बेलगाम और हुटकेरी के अंदर वक्फ अदालत करके करे थे। बेलगाम के अंदर जब पिछली असम्बली थी उस टाइम पे वो वक्फ अदालत करने की वजह से जो मसले मसाले आए थे वो हमने ऑफिसर्स को बुला के, डीसी, तहसीलदार, एसी, सीओ को बुला के ऑलमोस्ट 70% उधर मसले हल हुए। वो देखते हुए हमने डिसाइड किया कि ये वक्फ अदालत हर डिस्ट्रिक्ट में करना चाहिए करके, महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट करना करके तय करके ये पहली बार ये बिदर में किया गया। बिदर में भी करने की वजह क्या है, हमारे जो चेयरमैन हुए नवे चेयरमैन जो बिदर के चेयरमैन जो है फैरोज खान जो है ना, उन्होंने मेरे को फ़ोन करके गुजारिश कर ली, अंकल मेरे को सुनने में आया कि आप वक्फ अदालत करने वाले हैं करके, अब मेहरबानी होगी आप बिदर से करेंगे तो अच्छा रहेगा करके। उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर बिदर में हम लोग वहीं अनवर साहब सब तय करके बिदर में किए। आज टोटल अर्जी 170 पर अर्जी है हमारे को, जो प्रॉब्लम जो है 170 पर अर्जी है, उसके अंदर ग्रांट्स का ज़्यादा करके जो 75,000 ग्रांट्स का मतलब मस्जिद रिनोवेशन कंपाउंड डालने का, उसका 75 है। ये कमिटी बना के दो करके, ये मुतलिस के जो प्रॉब्लम है कमिटी बना के दो करके 54 अर्जी आए, उसके साथ में खाता जो नहीं है उसके 20 अर्जा हमारे पास है, खाता नहीं है करके 20 अर्जा है, सर्वे करा के खाता बनाने का 11 अर्जी आपको है, एनक्रोचमेंट का 12 प्रॉपर्टी एनक्रोचमेंट हुआ है करके हमारे पास अर्जी है। जितने भी अर्जियाँ दिए हुए वो हम लोग कल डीसी, तहसीलदार, एसी के पास बैठ के हम वो मसला हल करने की कोशिश करेंगे। कब्रस्तान में क्या हो गया, 2017 में जब सिद्धरामैया साहब पिछली कांग्रेस की हुकूमत के अंदर 2017 के अंदर एक सरकार से एक आदेश किया है, जिधर भी मुसलमानों की आबादी ज़्यादा है, जिधर कब्रस्तान नहीं है, उधर कोई भी पर्पज़ को गवर्नमेंट अगर लैंड रखेंगे वो इमीडिएट गवर्नमेंट लैंड देना चाहिए। अगर आबादी ज़्यादा होने के बाद गवर्नमेंट अगर लैंड नहीं है तो प्राइवेट लैंड देना करके भी गवर्नमेंट का आदेश है। उसके बाद हमारी इस बार हुकूमत आने के बाद, ये कब हुआ था, 2017 के अंदर हुआ था। अभी सिद्धरामैया दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद दोबारा मीटिंग बुलाया गया था 3 महीने पहले, तमाम डीसीज को बुला के उन्होंने आदेश दिया, सिर्फ मुसलमान को कब्रस्तान की जगह करके नहीं है, हिंदू भाई लोग को भी, क्रिश्चियन भाई लोग को भी, सिख भाई लोग को भी, जिस जिस को कौम की जो ज़रूरत है कब्रस्तान के लिए देना करके वो आदेश किए। अभी मेरे पास अर्जियाँ कम से कम कब्रस्तान के लिए 18 अर्जियाँ हैं मेरे पास, इंशाल्लाह वो देख के कल बैठ के डीसी से बात करके कराने की जद्दोजहद कोशिश। सर आने वाले दिनों में हर डिस्ट्रिक्ट में होगी ये बात, हर डिस्ट्रिक्ट में महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट करना करके तय किए, महीने में 3 डिस्ट्रिक्ट तय करना करके तय किए। सर KMDC 23 और 24 का अभी एजुकेशन लोन अभी तक सेंशन नहीं हुआ सर, हैदराबाद कर्नाटक का नहीं क्लियर हुआ, 23-24 का नहीं हुआ सर, क्लियर हुआ, याद की रेखा है बीधर रेखा है नहीं हुआ सर, क्लियर हुआ, मैं डिटेल देता हूँ, नहीं टोटल नहीं हुआ, अरे मैं देता हूँ डिटेल देता हूँ, छोड़ो ना डिटेल देता हूँ, बीधर का हो रहा है, बीधर और याद की का नहीं हुआ सर, कौन है अभी सर मान पड़े ये दिए थे अभी इस बार हमारी हुकूमत आने के बाद, ये कांग्रेस हुकूमत एक साल हुआ, कांग्रेस हुकूमत आने के बाद हमने 380 जो एनकरेजमेंट जो जगह हुई थी 380 एकड़ हमने वापस लिए। एक आपको माध्यम वालों को एक बात बोलना चाहता हूँ, जो वक्फ की जो प्रॉपर्टी है, आदमी वक्फ क्यों करता है, वक्फ किस वजह से करता है, उनके माँ के रिश्तेदार होते हैं, बाप के रिश्तेदार होते हैं, वक्फ इसलिए करता है कि हमारे मुसलमान कौम को
फ़ायदा पहुँचे करके, ये नहीं कि तुम प्रॉपर्टी लेके रखो करके। आज हमारी जो वक्फ की जो लैंड है हम सही से यूटिलाइज करेंगे तो गवर्नमेंट से फंड लेने की ज़रूरत नहीं है, हम गवर्नमेंट को फंडिंग दे सकते हैं सही से यूटिलाइज करेंगे तो। वो हम वो प्लान करें अभी ऐसा हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर करके हम रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करें। रेवेन्यू आना चाहिए, रेवेन्यू के अंदर लेके जो भी रेवेन्यू जनरेट करके जो भी पैसा आएगा हम उसको एजुकेशन पर्पज़ को यूज़ करना करके सोच रहे हैं, हॉस्पिटल परवेज है, हेल्थ पर्पज़ को यूज़ करना करके हम लोग का सोच है। सर, डीसी की सदारत में एक कमेटी बनाई गई थी वक्फ बोर्ड की कि भाई पूरा वक्फ बोर्ड का है ना सर्वे करके जहाँ जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ उसको वापस लेना। अभी क्या होता है ना साहब, अभी क्या होता है, अभी आज डीसी कोई है XYZ है, कल वो एक साल के बाद चला जाएगा तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता। वो सर्वे करे सही, सर्वे करे एक मिनट भाई बोलो सुनो, आप जो बोले उसका आंसर मैं दे रहा हूँ, वो सही है आप जो बोल रहे हैं। वो क्या होता है, आज एक डीसी रहता है एक साल के बाद दूसरा डीसी आता है, तो ये क्या करता है कि हमारी वो बोर्ड की हमारी जवाबदारी पड़ती है, जो मिनिस्टर होता है, जो चेयरमैन होता है, जो ऑफिसर जो वो बोर्ड के होते हैं, जो CA होता है, उनकी जवाबदारी ज़्यादा होती है। तो उस वजह से ये वक्फ अदालत हम करके जो भी हमारे मसले मसाले हल करना करके मीटिंग करें। सर, बार बार अपोजिशन ये कहता है कि वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट को दे। रेलवे किसकी, कई को रेलवे डिपार्टमेंट को दे? बसुराज बाटू के सुनो, बसुराज यत्नाल की अगर प्रॉपर्टी अगर उसकी बाप की रहेगा तो किसको भी दे सकता है, अगर मेरी बाप की रहेगा तो किसको भी दे। ये वफ की प्रॉपर्टी है, ये कोई गवर्नमेंट की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं, वफ को ये गवर्नमेंट की दी हुई प्रॉपर्टी नहीं, ये दानी लोग दिए हुए, ये दानी लोग दिए हुए, दानी लोग किस इकाई के लिए दिए, उन लोग जब भी देते उनको एक पर्पज़ रहता है कि वक्फ को लैंड देने के बाद फलाने पर्पज़ को यूज़ करना, ये एजुकेशन पर्पज़ को यूज़ करना, ये मदरसे को देना या मस्जिद बनना या ईदगाह बनना या कब्रस्तान बनना करके, ये वक्फ की दानी हुई दान दिए हुई प्रॉपर्टी है, दान दिया हुआ प्रॉपर्टी है। इतना की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है उठा के देने के लिए, समीर अहमद खान की बाप की प्रॉपर्टी नहीं है उठा के देने के लिए, ये वक्फ आस्ती है, ये दानी लोग दान किए हुए, ये दान किए हुए। सर, आने वाले दिनों में वक्फ प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करने का टास्क फोर्स बनाया।